नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आम के पेड़े बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमने यहाँ पर दो आम लिए हैं पके हुए। इसको छील कर काट कर और हमने इसकी प्यूरी बनाई है। एक चम्मच हमने घी लिया है। यहाँ पर हमने पौन कटोरी चीनी ली है। मिल्क पाउडर लिया है पौन कटोरी। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूध लिया है। इसमें केसर के लच्छे हमने डाले हैं। यहाँ पर आप वनीला एसेंस आप डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स आप कोई सा भी ले सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पेड़े बनाना। देखिए, सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर लिया है और हमने एक पैन चढ़ा दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डाल रहे हैं ताकि जो हमारा मैंगो पल्प है वो चिपके ना। अब इसमें हम हमारा जो मैंगो पल्प है वो डालेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। गैस की जो तो फ्लेम है वो स्लो ही हम रखेंगे, मीडियम आप कर सकते हो। ये करीबन हमें 5 या 7 मिनट हमें भूनना है। देखिए, लगातार इस तरीके से हमें चलाना है। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। गैस को हमने सिम कर दिया बिल्कुल। गाइस, बहुत फटाफट बनते हैं ये पेड़े और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। इसको छोटे बड़े और बुजुर्ग बड़े आसानी से खा सकते हैं। जिनके दांत ना हो वो भी खा सकते हैं। अब हम इसमें जो हमारा मिल्क पाउडर है वो और चीनी को ऐड करेंगे। देखिए, चीनी हमने ऐड, ये थोड़ी सी हमने बचा ली है, 1-2 स्पून। या आप मीठा खाना पसंद करो तो ही आप चीनी ऐड करना गाइस, नहीं तो मत करना, क्योंकि आम हमारा ऑलरेडी मीठा है और मिल्क पाउडर भी मीठा है। अब ये थोड़ी सी चीनी हमारी मेल्ट हो जाए उसके बाद में हम हमारा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें पहले जो हमारे केसर के लच्छे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। गैस को हम सिम कर देते हैं। मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें कंडेंस मिल्क और नारियल का बुरादा भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसको मिश्रण को इस तरीके से हम अच्छे से हिलाएंगे। आप चाहो तो आप एसेंस डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, कलर भी आप डाल सकते हो, बट मैं ये सब अवॉइड कर रही हूँ। किनारों पर से हटाते हुए हम अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये हम करीबन 2-3 मिनट चलाएंगे इस तरीके से। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। देखिए, ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है और ये देखिए पैन को छोड़ने लग गया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। गैस को हम ऑफ करते हैं, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो
तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसको ठंडा होने के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। देखिए गाइस, ये मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए गाइस, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। और अब हम इसमें हाथों में घी लगा लगा के इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से घी की सहायता से अच्छे से। फिर अब हम इसका पोर्शन तोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से। आप ये पेड़े छोटे बड़े किसी भी साइज के आप बना सकते हो। इस तरीके से एक उंगली से हम दबाव देंगे। ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, छोटा बताती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से गोल बनाया, ये देखिए। बहुत ही इजी है इनको बनाना और ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को और जिनके दांत ना हो, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी ये आसानी से खा सकते हैं। इसका शेप और साइज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना है। इस तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, ये देखिए कितने अच्छे पेड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। इसका शेप और साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अब हम इसके ऊपर बादाम लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहो तो पिस्ता भी आप लगा सकते हो, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, कुछ भी लगा सकते हो आप। देखिए, आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। और गाइज, आप इसमें इलायची पाउडर का यूज भी आप कर सकते हो। कितनी अच्छे हमारी ये पेड़े बन के तैयार हुए हैं। ये रेसिपीज कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।